आउट टू ऐड बैंक अकाउंट इन फोन पे विदाउट डेबिट कार्ड। बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद दोस्तों यूपीआई पिन सेट कैसे करेंगे। यूपीआई पिन सेट करने के बाद खुद का बैंक बैलेंस चेक कैसे करेंगे। किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपका पास भी कोई भी एक बैंक अकाउंट है, उसी बैंक अकाउंट का आपका पास दोस्तों एटीएम कार्ड नहीं है, तो दोस्तों एफडी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यह सब वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम अमेजोन एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है उसको दोस्तों सबसे पहले डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने जो फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है वो दोस्तों ओल्ड वर्जन का, आपको दोस्तों न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस जो न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, लिंक पर टैप करके दोस्तों आप जैसा ही फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और उसके बाद दोस्तों आप जैसा ही फोन पे एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको दोस्तों उस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए बोला जाएगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर दोस्तों मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी दोस्तों आपको डाल के लॉग इन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, और ये लो दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया। आपको भी दोस्तों ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे और उसके बाद दोस्तों लोडिंग योर फोन पे अकाउंट, आपको दोस्तों सबसे पहले अलाउ परमिशन आपको मांगा जाएगा, इसको दोस्तों आपको अलाउ परमिशन आपको दे देना है, ठीक है। देने के बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे, ठीक है। आप जैसे दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको दोस्तों उस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इन सारे ऑप्शन को आप तभी आप यूज कर पाओगे जब दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके यूपीआई पिन सेट करोगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि हम बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में दोस्तों प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या, अपना प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसका नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना जो कि बैंक अकाउंट ऑप्शन पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं बैंक अकाउंट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर चार बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, ठीक है। अभी दोस्तों आपका सामने और एक बैंक अकाउंट को ऐड करूंगा और दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको भी बैंक अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद पूरा लास्ट में दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन, ठीक है। आपको दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक देना और उसके बाद दोस्तों आपका सामने बहुत सारे बैंक नेम दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको उसी वाली बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना जो कि दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। मान लीजिए दोस्तों आपका जो भी बैंक नेम यहाँ पे अगर शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो दोस्तों आपको करना के सर्च बाय बैंक नेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपका जो भी दोस्तों बैंक नेम सर्च कर लेना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पूरा पास्ट में दोस्तों शो होगा, वहां पे आपको क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट को फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वाली बैंक अकाउंट को आपका सामने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करूंगा और दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के चालू करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आपको भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों पाइंडिंग अकाउंट लिंकेड विद इतना मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे दोस्तों आपको कट बटन पे आपको प्रेस कर देना। अभी दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी दोस्तों इस वाली बैंक अकाउंट को आप दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आप चालू कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यूपीआई पिन बनाने के लिए मेरा बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई पिन, ठीक है, और उसका सीधा दोस्तों रिसेट और दोस्तों सेंस, ठीक है। आपको करना क्या दोस्तों, रिसेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आपको सेट पिन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल पे रिसेट करके ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों मैं रिसेट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको भी दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आधार नंबर लिंकेड विद बैंक और दोस्तों डेबिट एटीएम कार्ड, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये जो आधार वाला ऑप्शन दोस्तों आपका मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन के अंदर तभी दोस्तों शो होगा, दिखाई देगा, जब दोस्तों न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक है। आप अगर दोस्तों ओल्ड वर्जन
ऑप्शन फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ढूंढोगे आपको दोस्तों आधार वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना जो कि आधार नंबर लिंकेड विद बैंक वाला ऑप्शन, ठीक है। और दोस्तों नीचे तरफ देख सकते हो डेबिट कार्ड का मतलब होता है दोस्तों एटीएम कार्ड, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास तो कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है, हम चाहते हैं दोस्तों बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करना। तो दोस्तों इसलिए आपको करना के पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका जो आधार कार्ड का नंबर दोस्तों आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इंटर द पास्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड पे 12 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली पास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ओनली पास्ट 6 डिजिट का। तो चलिए दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड का पास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड का पास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों मैंने डाल दिया। आपको भी दोस्तों नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। और दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पे भी आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको दो ओटीपी आएगा, ठीक है, एक दोस्तों आधार ओटीपी, एक दोस्तों बैंक ओटीपी, दोनों ओटीपी डाल के दोस्तों यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और ये लो दोस्तों मैंने बैंक ओटीपी और दोस्तों आधार ओटीपी डाल दिया। अभी दोस्तों मैं करूंगा कि यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मेरे को बोला जा रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आपको भी दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। आप जो भी दोस्तों आप यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसका आपको याद रखना है, ठीक है। आप दोस्तों इसी यूपीआई पिन का मदद से दोस्तों आप फोन पे आपसे किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, ठीक है, बिना एटीएम कार्ड के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं 4 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन क्रिएट किया। आपको भी दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कॉन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन, आपने जो दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने दोबारा डाल दिया, मतलब दोस्तों मैंने कंफर्म किया। आपको भी दोस्तों कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यूपीआई पिन सेट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। आपको भी दोस्तों इसी तरफ यूपीआई पिन सेट कर लेना, ठीक है। यूपीआई पिन सेट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले करना के यहाँ पे आपको खुद का बैंक बैलेंस चेक करके देखना, ठीक है, क्या दोस्तों आपने जो बिना एटीएम कार्ड के फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके यूपीआई पिन सेट किया वो दोस्तों सच में यूपीआई पिन सेट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले करूंगा क्या, चेक बैलेंस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैंने जो दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन आपका सामने क्रिएट किया वो यूपीआई पिन दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो मेरे जो पेटीएम पेमेंट बैंक में दोस्तों सिर्फ 2 रुपीस पड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही दोस्तों मैंने आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट ऐड करके बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों इस तरह यूपीआई पिन सेट करके खुद का बैंक बैलेंस चेक करने के बाद अभी दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना, ठीक है। आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले आना। आने के बाद दोस्तों इन सारे ऑप्शन का प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप किसी का भी फोन पे का मोबाइल नंबर डाल के आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, यूपीआई के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, टू सेल्फ अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, खुद का बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, किसी से भी पैसा रिसीव करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका जो यूपीआई भी देखने को मिल जाएगा, फोन पे वॉलेट, रिवार्ड, इनवाइट नाउ। आप अगर चाहते हैं दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को रेफर करके पैसा कमाना तो दोस्तों आप रेफर करके पैसा कमा पाओगे। और उसके बाद दोस्तों रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, मोबाइल सर्च कर पाओगे, डिटेल्स रिचार्ज कर पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर पाओगे, और भी दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन से जितने भी दोस्तों आप ट्रांजेक्शन करोगे, पैसा लेन देन करोगे, और जो दोस्तों ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखने के लिए पूरा लास्ट में दोस्तों कॉर्नर पे स्ट्री करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट साइड में। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके आप दोस्तों फोन पे आपसे जितने भी दोस्तों आप ट्रांजेक्शन किया होगा वो दोस्तों सारा का सारा डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख पाओगे, ठीक है। आप इस तरफ दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट ऐड करके भी आप चालू कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में होगा तो 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और भी दोस्तों इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।